नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से एक बहुत ही दुखद हादसा जो है सामने आया है। रात करीब 11:30-12 बजे एक नौजवान युवक नहर में छलांग लगा देता है। जी हां, दादूपुर की नहर में छलांग लगा देता है। बताया जा रहा है 21 से 22 वर्ष उसकी उम्र है और गांव जो है रावर का रहने वाला है। यहीं पास गाँव में, कुराली गाँव में बताया जा रहा है, शादी समारोह में आया हुआ था। रात को कुछ जो है ड्रिंक भी थोड़ी बहुत की हुई थी, उसी के चलते शायद उसने, ये ब्रिज आपको सामने से नजर आ जाएगा, ये इस ब्रिज से रात 11:30 बजे के आसपास जो है छलांग लगा दी। जी हाँ, मौके पर अभी प्रगट सिंह की टीम जो है पहुंची हुई है। फिलहाल उनके जो है ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए, ये नहर आप देख सकते हैं, गांव दादूपुर के पास लगने वाली नहर है। बताया जा रहा है कुराली किसी शादी समारोह में आया था अमन, जिसका 21 से 22 वर्ष जिसकी उम्र है, और किन परिस्थितियों में छलांग लगा देता है या क्या कुछ उसके जो है कारण रहे हैं, ये फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है। जी हाँ, इस बात का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि फिलहाल कहा जा रहा है वो बहुत ही हंसी खुशी के माहौल में था। बहुत बताया जा रहा है थोड़ी बहुत जो उसने शराब जरूर पी थी, क्योंकि शादी समारोह में आया हुआ था। उसके बाद पैदल पैदल जो है वो यहाँ आता है। वो पुल आपको नजर आ रहा होगा और पीछे की तरफ ही कुराली गांव पड़ता है। उस पुल पर आकर जो है छलांग लगा देता है, अचानक से छलांग लगा देता है। कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल जो है मौके पर गोताखोर प्रगट सिंह की टीम और पुलिस दोनों पहुंचे हुए हैं, उनको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक बार मैं परिवार से भी बातचीत करने का प्रयास करूंगी कि क्या कुछ कारण रहे, कि आखिर किन परिस्थितियों में नौजवान युवक रहा अमन जो है जिसने छलांग लगा दी। जी हाँ, ये नहर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ऊंचाई पर जो है पानी आपको नजर आ रहा होगा। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को आप शेयर जरूर करें। बताया जा रहा है शादी समारोह में किस तरह से आया हुआ और शायद थोड़ी बहुत जो है ड्रिंक की हुई थी, जिसके चलते उस युवक ने नहर में छलांग लगा दी। जी हाँ, नहर में छलांग लगा दी। अब फिलहाल पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उनकी बॉडी को भी ढूंढा जा सके, क्योंकि जिस तरह से पानी भरा हुआ है और रात करीबन 11:30-12 बजे के बीच जो है वो छलांग लगा देते हैं, तो कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। और हो सकता है कि बॉडी अभी ज़्यादा ऊपर भी ना आई हो, क्योंकि जिस तरह से अक्सर देखने को मिलता है कि कम से कम भी 3 से 4 दिनों बाद जो है बॉडी फूलती है, तब वो ऊपर आती है। फिलहाल गोताखोर प्रगट सिंह जो है ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे ब्रिज से लेकर वहाँ तक ढूंढा जा रहा है। जी हाँ, ढूंढा जा रहा है। अगर कुछ भी मिलता है तो वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर पूरे गाँव के लोग मौजूद हैं, सभी उसके दोस्त मौजूद हैं, क्योंकि इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आखिर जो है अमन ने छलांग जो है क्यों लगा दी। जी आप देख सकते हैं गोताखोर प्रगट सिंह है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ जो है उनको जानकारी मिली और कैसे जो है उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक नौजवान युवक ने इस तरह से छलांग लगा ली। बताया जा रहा है शादी समारोह से आते हुए आया हुआ था, गांव रावर का रहने वाला बताया जा रहा है अमन, जिसकी उम्र 21 से 22 वर्ष बताई जा रही है। उसने रात 11:30 बजे किन परिस्थितियों में छलांग लगा दी, क्या कुछ कारण रहे हैं, ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया। तो आपसे अपील रहेगी कि आप वीडियो को शेयर करें और एक बार जो है गोताखोर प्रगट सिंह से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं गोताखोर प्रगट सिंह की टीम भी जो है मौके पर पहुंची हुई है। आपसे एक बार जो है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और कब उनको जो है जानकारी मिली। सर, कब आपको जानकारी मिली? ये देर रात 12:00-1 बजे के आसपास फैमिली के फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि ऐसे एक हादसा हो गया, तो 8:00 बजे तकरीबन हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी थी। और जैसे पिछले 21 सालों से हम फ्री सेवा करते हैं, आज फिर एक दुखी और गरीब परिवार की सहायता करने पहुँचे हैं। और 1.5 घंटे से 2 सिलेंडरों की वजह से हमारी टीम लगी हुई है, और बस काई बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी है, लेकिन आगे भी अभी संघर्ष जारी रहेगा। तो क्या लगता है अभी मिल पाएगी आज? उम्मीद पूरी है जी, सेवा मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, बाकी काई की वजह से थोड़ी परेशानी जरूर है। तो देख सकते हैं कि सुबह ही जो है 8:00 बजे गोताखोर प्रगट सिंह यहाँ पर पहुँच जाते हैं। बहुत ही नेक कार्य जो है, हमेशा अपनी फ्री सेवाएं देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपसे अपील करूँगी कि वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और आप देख सकते हैं नहर में पानी और काई जो है आपको ज़्यादा नज़र आएगी, जिसकी वजह से अब तक भी जो है बॉडी नहीं मिल पा रही है। वो सामने ब्रिज है, जिस ब्रिज से अमन ने छलांग लगाई है। जी हाँ, इस ब्रिज से 11:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है जो वो नौजवान
नौजवान युवक छलांग लगा देता है। क्या कुछ इसके कारण रहे, फिलहाल उन कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है शादी समारोह में आया हुआ था, रावर का रहने वाला है और किस तरह से 21 से 22 उसकी उम्र थी, फिर भी वो छलांग लगा देता है, क्योंकि बताया जा रहा है थोड़ी बहुत जो है शराब ड्रिंक जो है उसने जरूर की हुई थी, लेकिन फिलहाल फिर भी क्या कुछ जो है कारण रहे ये बात क्लियर नहीं हो पाई। एक बार परिवार से भी बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। तो परिवारजन भी जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ही दुखद हादसा कल रात 11:30 बजे सामने आता है, करनाल के दादूपुर के पास जो नहर लगती है वहां पर एक नौजवान युवक छलांग लगा देता है। एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसने ऐसा कदम उठाया क्यों। सर आप कौन है, अमन के और क्या लगते हैं, क्या कुछ कारण रहे? अमन मेरे भतीजे, मैं उसका चाचा हूँ और यहाँ पे शादी थी, यहाँ पे कुराली गाँव के अंदर। वैसे अमन रावर से रहने वाला है, शादी में आया हुआ था, थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी थी उसने, तो 11:30 बजे आके यहाँ से अपना उसने छलांग लगा दी। तो पीछे दो बच्चों ने देखा उसको छलांग लगाते हुए, तो उनको भी तैरना नहीं आता था, उन्होंने फिर फ़ोन किया, हम भी गांव में थे अपने, तो फिर रात को हम गांव में आए, गांव से 11:30 बजे। तो सर कुछ पता चल पाया कि कारण क्या है? नहीं मैडम, कुछ नहीं पता चल पाया, कारण कुछ भी नहीं था, बस शराब पी रखी थी उसने, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। बिल्कुल ठीक थी। और पहले कभी कोई दिक्कत परेशानी? नहीं नहीं, बिल्कुल हंसमुख लड़का था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। क्या लगता है कि जो थोड़ी बहुत ड्रिंक की हुई थी उसके चलते उसी की वजह से ही है और कोई वजह नहीं है? हाँ जी, क्या पता वो शायद नहाने गए हो और हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहले वो तैरते वगैरह थे? हाँ हाँ तैरता था, स्विमिंग आती थी? हाँ जी हाँ जी, स्विमिंग आती थी, स्विमिंग आती थी। बिल्कुल जी। तो अकेले गए थे शादी में? नहीं, पूरे परिवार आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे 11:30 बजे आया ना यहाँ पे नहर पे, तो रात में जागरण का प्रोग्राम था, यहाँ पे जागरण भी था रात में, तो सभी अपने जागरण में शामिल थे, उसका पता नहीं लगा, तो दो लड़कों ने देखा उसको यहाँ पे, फिर उन्होंने फिर हमारे को सूचना दी। कोई टेंशन वगैरह थी? नहीं, कोई टेंशन नहीं थी। आपका नाम? सर मेरा नाम संजीव है। तो देख सकते हैं कि अमन के जो हैं चाचा जी हैं, आपने देखा कि किस तरह से बड़ा हादसा सामने आया। फिलहाल सभी जो गांव के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं यहां पर, पूरा उनको ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है काफ़ी हसमुख जो है अमन था, ऐसे कोई कारण नहीं थे कि जिनके चलते वो जो है नहर में छलांग लगा ले, बस यही कुछ कारण है कि शादी समारोह में शायद आया हुआ था और थोड़ी बहुत जो है शराब पी रखी थी। जी हाँ, बस यही कुछ कारण रहे हैं। दो लड़कों ने जब उनको देखा है छलांग लगाते हुए, तो शायद क्या पता वो नहाने के इरादे से भी नहर में कूदे हों। बताया जा रहा है स्विमिंग भी आती थी, जी हाँ अमन को तैरना भी आता था, फिर भी उसके बावजूद जो है अब उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ढूंढने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपसे यही अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें और इस तरह का कार्य करने के लिए गौतम और प्रगट सिंह भी हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि अगर किसी परिवार की सहायता की जा सके तो उससे बड़ा क्या कुछ रहेगा। तो आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि परिवारजनों का भी यही कहना है कि कोई कारण ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है, पूरा गांव जो है मौके पर है। देख सकते हैं कि सभी जो है उनके आसपास के परिवारजन और जो दोस्त हैं सभी मौके पर हैं, ताकि अमन को जल्द से जल्द जो है ढूंढा जा सके। बताया जा रहा है सुबह 8 बजे से ही इस तरह से उनको ढूंढा जा रहा है, कल रात 11:30 से 12 बजे के बीच जो है यह हादसा हुआ। देख सकते हैं पूरा गांव जो है मौके पर है, गोताखोर प्रगट सिंह की टीम भी यहां पर पहुंची और सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी मौके पर है। एक बार बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है उनको जानकारी मिली और कैसे ये बड़ा हादसा हो गया। सर हमारे को रात जानकारी मिली थी 9-10 बजे के आसपास की, लड़का ये यहाँ पर बात भरने के लिए बुआ के यहाँ आया हुआ था और वो यहाँ पर अचानक आया और छलांग मार दी। दो लड़के आए थे, उनसे मुँह पकड़ नहीं पाए, तो सारा रात यहाँ गांव के लोग भी जग गए यहाँ पे। उसके बावजूद सुबह ये प्रगट्टी सिंह जी की टीम आई है यहाँ पे और तब से एक तक और ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कब तक मिलेगा। सर कारणों का कुछ पता चल पाया कि क्या? कोई कारण नहीं था, वैसे ही जब परिवार से भी बात की हमने यहाँ पे, रिश्तेदारों से भी, उनको कोई कारण नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुंवारा लड़का है ये, 22 साल एज है इसकी, और यहाँ पे ऐसे ही आया था ये मस्ती से, और या तो ये इसको तैरना नहीं आता था, तैरने के इरादे से आया था ये, ऐसा पता लगा है कुछ। मैंने ड्रिंक की भी बात की, इन्होंने कहा ड्रिंक भी नहीं की रही हुई थी इसने, ये थी। सर आपका नाम और कौन से थाने से? मैं चौकी रंबा, थाना सदर करनाल। देख सकते हैं गुलाब सिंह हैं, चौकी रंबा से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दादूपुर की ये नहर लगती है जहाँ पर बड़ा हादसा सामने आता है, एक नौजवान युवक छलांग लगा देता है। या क्या कुछ कारण है ये कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो हंसी खुशी शादी समारोह में आया हुआ था और गांव रावर का रहने वाला 21 से 22 वर्षीय अमन बताया जा रहा है। तो आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से।
जी हाँ, तो आपसे अपील, वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहाँ दादूपुर गांव के आसपास जो है ये नहर है, दादूपुर नहर लगती है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो आपसे अपील, वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।